मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद असगर है, डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो आज ये जो सेमिनार था रिसर्च कल्चर इन पाकिस्तान, तो इस पे जो है वो एक बड़ी यूज़फुल डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसमें जो दो तीन पॉइंट्स बिल्कुल जो है वो उसको समराइज़ किया जा सकता है, वो ये है कि एक तो हमें क्वेश्चन से आंसर्स की तरफ आना है। क्वेश्चंस हमारी सोसाइटी के होंगे, प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के होंगे और एकेडेमिया जो है वो उसके सॉल्यूशंस की तरफ सोचेगी। दूसरी बात जो हाईलाइट हुई वो ये था कि सोशल साइंसेस को ओवर लास्ट टू डेकेड्स जो है वो इग्नोर किया जाता रहा है या उस तरह से उसकी प्रेफरेंस नहीं रही हायर अथॉरिटीज़ में। तो इस चीज़ को देखा जाए कि कैसे हम सोशल साइंस में जो रिसर्च है जिसमें हम बहुत पीछे रह गए उसको कैसे प्रमोट किया जाए, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन और जो अदर सोशल साइंसेज हैं इनमें हम दोबारा से अपनी जो है वो कैसे थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि असल में जब तक सोशल साइंस की रिसर्च नहीं होगी सोसाइटी में चेंज लाना जो है ये बड़ा एक मुश्किल काम है। तो इसके साथ साथ जो है वो ये देखा गया कि HEC अपनी पॉलिसीज़ को कैसे रिविज़िट कर सकती है। तो HEC से डॉक्टर जैन जो थे उन्होंने बड़ी एक अच्छी नाइस ब्रीफिंग दी कि HEC कैसे सोच रही है लेज़र डेवलप करने में बिटवीन सोसाइटी प्रॉब्लम्स एंड एकेडेमिया सजेशंस। तो साथ साथ ये भी बात हुई कि आपके पास जो है कमर्शियलाइजेशन की तरफ हम एफर्ट को करेंगे लेकिन एकदम से ये एफर्ट जो है मटेरियलाइज नहीं होगी, इट मे टेक टाइम। तो उस लिहाज से मैं पाइड को जो है वो इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि एक बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंट सीरीज ऑफ सेमिनार्स ये लोग कर रहे हैं जिसका एक बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट नहीं होंगे उस वक़्त तक हम जो है एक जो राइट थिंकिंग है उसकी तरफ नहीं जा सकते। हम साइलो में बैठ के ये नहीं सोच सकते कि ये सही काम है ये गलत काम है, हमें उस पर डायलॉग करना होगा। तो रिसर्च कल्चर इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, ये एक अच्छा बड़ा अच्छा डायलॉग हुआ, इस पर बहुत सीनियर लोग भी बैठे थे। तो उस लिहाज से ये इंटरेक्टिव डायलॉग जो है इसका जो है वो फ़ायदा रहता है। आई होप कि इन फ्यूचर जब पाइड करेगा और HEC भी, तो पाइड को, HEC को, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को सारे इससे बेनिफिट करेंगे। तो थैंक यू PIDE फॉर होल्डिंग दिस सेमिनार एंड अदर सिमिलर सेमिनार्स। थैंक यू।